हेलो एवरीवन, वेलकम टू शबिस्ता खान किचन। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी पाकिस्तानी आलू कीमे की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है और पैन गरम हो चुका है। उसमें 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। जैसे ही हमारा ऑयल गरम होता है, ऑयल देखिए गरम हो चुका है, इसमें हमने 3 मीडियम साइज के अनियन ले लिया है, इसको रफली चॉप कर लिया है। अब इसको ऐड कर देंगे इसमें ऑयल में, और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अनियन का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें कीमा ऐड कर देंगे। 500 ग्राम कीमा लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी ड्राई कर लिया है। अब इसमें इसको डाल देंगे। अब इसी के साथ, अनियन के साथ इसको हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। हमें चम्मच लगातार चलाते रहना है और इसको फ्राई करना है अच्छे से। कीमे को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं और देखिए इसमें कीमे ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसे 3 मिनट तक और इसी तरह से फ्राई करेंगे कीमे को। 6 मिनट हो चुके हैं कीमे को फ्राई होते हुए। अब इसमें हम जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, इसको 1 मिनट के लिए इसके साथ भून लेंगे। देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट भून चुका है अच्छे से। अब इसमें हम अपने ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसको भी इसी के साथ भून लेंगे अच्छे से। मसाला भूनने के लिए से हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। और 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से हमें इसे भूनना है। मसाला भी देखिए कीमे के साथ अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम अपने कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। ये हमने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इसको हमने छील कर और अच्छे से वॉश करके काट लिया है। इसको भी इसी के साथ 1 मिनट के लिए इसी तरह से भूनेंगे। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमें इतना ऐड करना है ताकि हमारे आलू अच्छे से टेंडर हो जाएं और कीमा भी टेंडर हो जाए। लगभग 1 गिलास हमें इसमें पानी ऐड करना है। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है इसको। अब इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसको तकरीबन 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये हमारे आलू और कीमा अच्छे से टेंडर हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारा आलू कीमा बन चुका है, इसके आलू भी अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें हमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और साथ ही इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। और बाकी हमें ऊपर गार्निशिंग के लिए चाहिए तो हमने बचा के रखा हुआ है, इसको मिक्स कर लेंगे। कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए
और 1 मिनट बाद इसको डिशॉल्व कर लेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए हमारा मज़ेदार आलू कीमा बनकर तैयार है, बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बना है। इसको आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।